आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लैब में ब्लोरोबिन टेस्ट जो होता है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ये हमारे पास ब्लोरोबिन की किट है, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट और लॉट नंबर वगैरह मेंशन होती हैं। और जब हम ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर चार तरह के रिएजेंट्स दिखाई देते हैं, ये आप देख सकते हैं, रिएजेंट वन, आर वन, ये हमारे पास आर टू है 25 ml, और ये येलो में दोनों में हमारे पास R3 है 100 100 ml, और ये हमारे पास R4 है, इसकी भी दो वाइल होती हैं 100 100 ml की। अब यहाँ पर हम प्लेन वाइल लेंगे जिनको टेस्ट ट्यूब भी बोला जाता है, और इन टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम जो है वो लेबल कर लेंगे इन टेस्ट ट्यूब को ना, ब्लैंक से और टी से टेस्ट, यानी कि हमने ब्लोरोबिन का टेस्ट भी लगाना है और इसका ब्लैंक भी बनाना है। और उसके अलावा एक हम थर्ड वाइल और लेंगे और इसके ऊपर NS लिख देंगे, NS मतलब नॉर्मल स्लाइन। लेबल करने का मतलब यह है कि हमें पता हो कि हमने किस वाइल में क्या चीज़ डाली हुई है। यह हमारे पास नॉर्मल स्लाइन है, अब हम क्या करेंगे कि इस नॉर्मल स्लाइन को इस टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और ये हम अपने पास रख लेंगे। यह हमारे पास पेशेंट का सीरम है जो कि हम जेल वाइल में लेते हैं और इसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम इसका सीरम जो है वो निकाल लेंगे। ये हमारे पास 1 ml की माइक्रो पाइपेट है, अब हम इसके ऊपर ब्लू टिप जो है वो एडजस्ट करेंगे अच्छे से। एडजस्ट करने के बाद जो हमने नॉर्मल स्लाइन लिया था उसमें से हम 1 ml जो है वो नॉर्मल स्लाइन ले लेंगे और इस 1 ml नॉर्मल स्लाइन को हम जिसके ऊपर टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने बी लिखा है यानी कि ब्लैंक, उस ब्लैंक वाली ट्यूब में डाल देंगे ये नॉर्मल स्लाइन। अब ये हमारे पास 100 μl पाइपेट है, ये आप देख सकते हैं, अब हम इसके ऊपर येलो टिप जो है वो एडजस्ट करेंगे और पेशेंट के सीरम में से हम 100 μl सीरम ले लेंगे। ध्यान में रखना है कि कोई बबल वगैरह ना बने। और जो हमने ब्लैंक वाली टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर हमने 100 μl जो सीरम है पेशेंट का वो डाल देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारे पास जो ब्लैंक है ब्लोरोबिन का वो तैयार हो चुका है। अब हम टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। टेस्ट के लिए रिएजेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास ये 100 μl की हम पाइपेट लेंगे और इसके ऊपर जो है वो येलो टिप एडजस्ट कर लेंगे। अब हम R1 लेंगे R1 लेने के बाद जिस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने T लिखा था यानी कि जिसमें हम रिएजेंट डालेंगे टेस्ट के लिए, तो हम R1 जो है वो 200 μl इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अब हमने R1 जो है वो डाल दिया है, अब इसके बाद हम डालेंगे R2। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास 50 μl की पाइपेट है और इसके ऊपर भी हम येलो टिप जो है वो एडजस्ट करेंगे और R2 को ओपन करने के बाद हम इसमें से 50 μl जो R2 है वो लेंगे और इसको टेस्ट वाली ट्यूब में हम डाल देंगे। इसके बाद ये हमारे पास 100 μl की पाइपेट है, इसकी टिप को हम चेंज करेंगे, हम एक ही टिप से टेस्ट जो है वो रिएजेंट नहीं लेंगे, उसकी रीज़न ये है कि कॉन्टेमिनेशन हो सकती है और हमारे रिजल्ट्स में वेरिएशंस आएंगी। तो हमने 100 μl की पाइपेट लेके हमने जो पेशेंट का सीरम था उस सीरम में से 200 μl सीरम जो है वो हमने इस टेस्ट वाली ट्यूब में डाल देना है। याद रखिएगा कि 200 μl सीरम डालना है। अब हम R3 डालेंगे, ये हमारे पास 1 ml की पाइपेट है और इसकी टिप को भी चेंज करेंगे और हम ब्लू टिप जो है इसके ऊपर न्यू एडजस्ट करेंगे।
अब हम ध्यान से जो R3 है वो 1 ml ले लेंगे। और इसको टेस्ट वाली ट्यूब में डाल देंगे। और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए इनक्यूबेट होने के लिए रख देंगे। अब ये हमारे पास माइक्रोलैब 300 है, इसके ऊपर हम ब्लोरोबिन टोटल जो है वो सेट करेंगे। हमारे पास ब्लोरोबिन टोटल भी होती है, डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम ब्लोरोबिन टोटल लगा रहे हैं, तो इस वजह से हम इस माइक्रोलैब पर ब्लोरोबिन टोटल सेट करेंगे। मशीन को एस्पायरेट करवाएंगे डिस्टिल्ड वाटर, और उसके बाद जो है हम ये देखें रिएजेंट ब्लैंक लिखा हुआ आ रहा है, तो हमने जो ब्लैंक बनाया था नॉर्मल स्लाइन से वो हम इस मशीन को एस्पायरेट करवा देंगे। अब ये एस्पायरेट हो चुका है, यहाँ पर इसकी एब्जॉर्बेंस आएगी, और एब्जॉर्बेंस आने के बाद हम अपनी इस मशीन को टेस्ट पर सैंपल पर यानी के सिलेक्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस आ चुकी है। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और सैंपल पर ये मशीन सेट हो जाएगी। अब इधर से 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हमारे पास R4 है, रिएजेंट 4। यह हमारे पास 1 ml की पाइपेट है, और इसके ऊपर हम दोबारा से न्यू टिप जो है वो एडजस्ट करेंगे और इस R4 में से 1 ml R4 ले लेंगे। यह आप देखिएगा जैसे ही मैं इसमें R4 डालूंगी तो ग्लोरोबिन का कलर जो है वो आ जाएगा। अगर डार्क कलर होगा तो इसका मतलब है कि हमारी जो ग्लोरोबिन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर लाइट होगा तो इसका मतलब है कि ग्लोरोबिन जो है वो कम है। तो ये आप देख सकते हैं कि लाइट ग्रीन कलर है, और हम इस मशीन को ये जो सैंपल है वो एस्पायरेट करवा देंगे। और ये एस्पायरेट करने के ऑलमोस्ट 30-40 सेकंड बाद हमें जो ब्लोरोबिन की रीडिंग है वो दे देगी। अगर यहाँ पर लाइट ग्रीन की जगह डार्क ग्रीन होता तो यहाँ पर ब्लोरोबिन जो है वो पेशेंट के बहुत ज़्यादा होनी थी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट कलर है, लेकिन डार्क कलर की भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट की ब्लोरोबिन आई है वो 0.1 mg/dl आई है। इस वीडियो में सिर्फ टोटल ब्लोरोबिन जो होती है उसका प्रोसीजर बताया गया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का भी बताऊंगी, उस पर भी वीडियो एक बनाऊंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने क्लासमेट के साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।